उसको यूज कर सके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर करेक्ट है। द स्टेट रन बैंक्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग मोर देन 100% ऑफ जनधन अकाउंट अंडर द गवर्नमेंट। तो जितने भी जनधन अकाउंट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैनेज करते हैं, ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। मे बी पीएसबीज हैव वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द कमर्शियल। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इनका कमर्शियल एक पर्पस भी होता है, एक वेलफेयर पर्पस भी होता है। सोचिए 10 seconds आपके पास है, फिर करेंगे डिस्कस इसको लेकर। जनधन योजना लेकर आई गई थी जिसके अंदर नो बैलेंस अकाउंट्स जो थे वो सभी के खोलने थे। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग माय लबासना ट्रेनिंग आल्सो, जब विलेज विजिट हुई थी तो वहां पर इस तरीके की एक्सरसाइज जो थी वो भी कराई गई थी। खैर यहां पर बात करेंगे तो 100% जनधन अकाउंट जो है वो क्या सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर 97% मेजोरिटी उनके पास है लेकिन सारे के सारे उनके पास नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ क्या वेलफेयर कमर्शियल दोनों ही पर्पस होते हैं इनके, ये बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए जब हम रेलवेज की भी बात करते हैं या किसी दूसरी एंटिटी की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहां पर सिर्फ कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकता। जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं, वहां पर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है जिसके अंतर्गत रहकर वो काम करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर सिर्फ कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकते। तभी आपने रेलवे को देखा कि रेलवे जो है लॉसेस पे लॉसेस सफर करती है लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज को यहां पर नहीं छोड़ती है, बिकॉज यहां पर कमर्शियल पर्पस के साथ साथ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को सर्व करना भी उसके दायरे में आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B will be the correct answer.